संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा। शादी के कुछ दिन बाद, माँ टिफिन तो निकाल जरा। बेटा अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है, माँ से नहीं अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता टिफिन ले आओ। किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था। पास्ता? पास्ता कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी तू रहने दे, मैं बना लूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आपको फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही दियो। का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा लेकर तो आना, कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ इसी की, फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या हीरो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है शरीर किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहू, ओ बहू मेरे लिए फल तो लिया, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा पपीता तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं, काट कर तो लिया। माँ जी मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊ माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। ये भगवान कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। अरे मुझे माफ कर दो, पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ अरे बहू मेरी बात सुन, फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी।
सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में दो बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को, उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे, उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। आप फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। अरे अरे, इस सब की क्या जरूरत थी, आपने बुलाया वही काफी है। सर आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओहो ये क्या है, केक तो कटा हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना, तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया, हूँ ना मैं समझदार। अरे बहू ये क्या किया, केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है, तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर ही बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था, संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे, लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से, फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ सही पकड़े हैं, हम तो काटते भी नहीं सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप ले चलोगे ना, मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए, हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए।